खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वा, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। सफेद मूसली के गढ़ के नाम से प्रसिद्ध ग्राम रायबिटपुरा में किसान परिवार सफेद मूसली की बोनी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहां 1000 एकड़ कृषि भूमि में सफेद मूसली लगाई जाएगी, जिसे लेकर किसान बीजों को तैयार कर रहे हैं। क्षेत्र में प्री मानसून की दस्तक एवं बदलते मौसम के मिजाज के बीच किसान परिवार एक बार फिर कड़ी मेहनत के साथ खेतों को तैयार करके बीजों की बुआई करने में जुट गए हैं। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर 700 घरों की आबादी वाले ग्राम रायबिटपुरा में सफेद मूसली की फसल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सफेद मूसली के गढ़ के नाम से प्रसिद्ध इस गांव में इन दिनों किसान मूसली की जड़ों को साफ सफाई कर बीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। गर्मी में बीजों के खराब होने के भय से इन बीजों को बोवनी के पूर्व महीनों से अपने घरों में कूलर पंखों की हवा में सहेज कर रखे गए, जिनको अब खेतों में बोया जाएगा। किसानों ने बताया कि इस गांव में सफेद मूसली का रकबा बड़ा है। यहां 1000 कृषि भूमि में 4000 क्विंटल बीजों की बुआई की जाएगी एवं फसल तैयार होने के बाद 3 गुना इसका मुनाफा मिलता है। जमीन के अंदर लगने वाली इस फसल के साथ दूसरी तुअर जैसी फसल भी ली जाती है। बाजारों में इसके बीज 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के दामों में मिलता है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये आप जो जड़े काट रहे हो, किस तरह की फसल और इसका उत्पादन कैसा होता है? जिसको सफेद मूसली कहते हैं, ये ग्राम रायबिटपुरा में लगभग 1000 एकड़ में इसका उत्पादन लिया जाता है। किस तरह इसकी बुआई होती है? ये अभी जैसे बारिश होगी तो इसको बोया गया। उत्पादन कैसा होगा? उत्पादन इसका 100 दिन के आसपास, 100 दिन में फसल पक जाएगी। फिर क्या होता है? इसका छिलका निकाल के इसको बाजार में बेच देते हैं। तो सूखी मूसली का किस तरह का भाव मिलता है? इसका पर केजी इसका भाव मिलता है 1000 से 1100 रुपये किलो। यहाँ लगभग कितने किसान इसकी बोनी करते हैं, इसको लगाते हैं? यहाँ लगभग 1000 एकड़ में ये रायबिटपुरा में लगाई जाती है। इसका उत्पादन होता है? हाँ, लगभग लगभग रायबिटपुरा के हर कृषक इसको, इसकी खेती करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब आप लोगों को कैसे पता चला कि इसकी भी फसल हो सकती है? ये करीब 12 से 15 साल पहले हमारे ग्राम रायबिटपुरा में इसकी खेती करना शुरू हो गए थे। अच्छा, तो इसकी जो सफ़ेद मूसली की सिलिया जो रहती है, उसको खरीदने के लिए आप कहाँ जाते, मतलब बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, खरीदार यहाँ आते हैं? खरीदार यहीं आते हैं रायबिटपुरा में। कहाँ से कहाँ तक के लोग आते हैं? इंदौर से आते हैं, इधर और दूसरे शहरों से आते हैं, खरगोन से भी आते हैं, इधर महाराष्ट्र से आते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ सुना कि और भी दूसरी फसल ली जा सकती है? हाँ, इसको मिश्रित फसल में अपन इसमें अरहर लगा सकते हैं, तुअर। डबल फायदा फसल का, डबल फायदा होता है। क्या नाम है आपका? मैं सचिन खटरिया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।